सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। हाँ गाइज, आप लोग यहाँ पे जानते हैं सैमसंग अपना M52 5G बहुत जल्द इंडिया में लाने वाला है, और इस फोन हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में। फोन नंबर देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने किया। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़, यहाँ पे आप लोगों को याद होगा तो पिछले साल सैमसंग ने M51 को लॉन्च किया था, जो बहुत ज़्यादा चला था एंड सेल में, तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बिका है, भर भर के लोगों ने, मतलब भर भर के बिका है ये फ़ोन। तो अब फाइनली इसका M52 बड़ा भाई आ रहा है, मतलब नया फ़ोन आ रहा है इसमें, तो इस सीरीज़ में। तो अब लेट्स सी, बात करते हैं कैसा होने वाला। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में आऊँगा एंड बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च के बारे में। सबसे पहले मैं बिल्ड डिज़ाइन में आऊँगा स्पेसिफिकेशन में। तो यहाँ पे जो बिल्ड डिज़ाइन होगा, पिछले बार M51 में आपको बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया था, जो बिल्कुल पसंद नहीं आया था मुझे। बट इस बार जो है ना, आप लोगों को जो A52 में आपने डिज़ाइन देखा होगा, वैसा कुछ यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है, जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे जो 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, सुपर एमोलेड का सेंटर कंट्रोल मिलेगी आपको, 120 रिफ्रेशिंग रेट भी आपको देखने मिल जाने वाला है। डिस्प्ले क्वालिटी में आपको कोई भी फर्क, मतलब आप बोल सकते हो कोई कंप्लेन नहीं आने वाली है, तो आप कह सकते हैं डिस्प्ले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे थे, क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे इसमें IP68 का रेटिंग मिलती है कि नहीं मिलती है, तो मेरे भाई नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग याद रखिए ये एम सीरीज़ है, ये ए सीरीज़ नहीं है। एम सीरीज़ और ए सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें फ़र्क होती है अंदर ही अंदर, मतलब एकदम आप मेन नहीं देखोगे, मतलब थोड़ी साइड साइड चीज़ें में फ़र्क होता है, क्योंकि ए सीरीज़ महंगी होती है और एम सीरीज़ में कॉस्ट कटिंग करके उसे सस्ता लाया जाता है, दैट्स वाई। तो इसमें आपको IP68 रेटिंग नहीं मिलने वाला है। आगे मैं चिपसेट में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे जो चिपसेट है वो आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया चिपसेट है एंड आपकी जो परफॉर्मेंस होगी ना, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मक्खन टाइप का ही फोन आपका चलने वाला है। कैमराज में आ जाता हूँ, तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा F1.8 का, 4K रिकॉर्ड कर लोगे, अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, डेप्थ सेंसर भी मिल जाएगा और माइक्रो लेंस आपको दिखने मिल जाने वाला है। सेल्फी में सेंटर कंट्रोल के साथ आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाएगी, तो वो भी आपका चेक काम कर देने वाली, F2.0 की होगी, 1080 की वीडियो आराम से कर लोगे 60 FPS में, तो आपका शूट हो जाएगा सेल्फी। बैटरी में आ जाता हूँ, इसमें जो बैटरी है वो आप लोगों को 4.5 mAh की नहीं मिलने वाली, 5000 की मिलेगी। पिछले बार 7000 दी गई थी, बट इस बार 5000 की दी जा रही है। टाइप सी और 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। ये जो एक बात आई ना, ये मुझे समझ में नहीं आई, मतलब M51 में आपको 25 मिली थी, इसमें 15 कर दिया, डाउनग्रेड किया है, मतलब समझ में नहीं आया। अगर डिज़ाइन अच्छा दे दिया तो भाई फास्ट चार्जिंग कम कर देंगे। अब ये आई थिंक सैमसंग है, मैं क्या बोलूँ। तो हाँ, और तो चीज़ें अच्छी है ना, UI एंड्रॉइड 11 आपको ब्लॉक्स मिल जाएगा, नहीं आपको 1 UI के साथ रन करने वाला है। ये पूरा सैमसंग M52 5G की स्पेसिफिकेशन। डेफिनेटली स्पेसिफिकेशन वाइज तो ये फोन बहुत ज़्यादा तगड़ा और बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब फाइनली जो मैं बात करने वाला हूँ वो है इस फोन का प्राइस एंड लॉन्च डेट, जो मेन चीज़ें हो जाती हैं। इस फोन का जो प्राइस कहा जा रहा है वो 20 से 25 हज़ार रुपये में कहा जा रहा है, क्योंकि आई थिंक 20 से 25 हज़ार रुपये में अगर आप देखते हो तो भाई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होता है, क्योंकि पिछले बार जो इस फोन को लॉन्च किया था वो अच्छे 25 से 24 हज़ार से कुछ में लॉन्च किया था, बट उसका प्राइस कम होते होते 19.5 हज़ार रुपये में आ गया था, और डिस्काउंट में शायद और भी कम मिल जाता आपको अगर, तो मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मतलब इस बार अगर आप लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार कर लो एंड देन जब इसका प्राइस अच्छा ड्रॉप हो जाना फिर ले लेना, तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अब फाइनली बात करें तो लॉन्च डेट कब आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब तक आएगा नहीं तो हम लेंगे कैसे। तो ये फोन सितंबर के मंथ में आ रहा है, पिछले बार M51 भी सितंबर में आया था, तो ये भी M52 जो है सितंबर के मंथ में आने वाला है। तो अगर लेना चाहते हो तो भाई बस ये अगस्त का महीना, बस थोड़े दिन बचे, सितंबर में मिड में आ जाएगा, तो बस बताना लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो, इंतजार कब से कर रहे हो ये भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो बता देना। मुझे तो फोन ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब बस कुछ चीज़ें हैं, मतलब 15 वोल्ट की जगह अगर 25 भी दे देते तो ठीक था, बट 15 वोल्ट यार बहुत ज़्यादा कम हो जाता है आजकल, 10-15 हज़ार वाले स्मार्टफोन में मिल रहा है 15 वोल्ट। तो मुझे लगता है सैमसंग ने ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग में इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया। आप लोग बताना आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में। मुझे तो भाई ठीक ही लगा, मतलब 15 से ज़्यादा अगर कर दे तो ज़्यादा बेटर रहता, बट मुझे डिज़ाइन के मामले में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिछले बार डिज़ाइन जो था वो बहुत ज़्यादा चीप था, बट इस बार डिज़ाइन अच्छा दिया है सैमसंग ने, ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। इसमें बस मैं रखता हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लेना। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।